हमने कुछ उदाहरण दिए हैं कि किस तरह से प्राइवेट स्कूल बस से जिसका कोई नंबर नहीं है ईवीएम्स वहां ट्रांसपोर्ट हो रही हैं, क्योंकि इनके पास कोई ईवीएम ट्रैकिंग सिस्टम है नहीं, कौन सी ईवीएम कहां जाती है ये किसी को मालूम नहीं, और साथ साथ में जब एक बार पोलिंग हो जाए तो फिर उसके पश्चात जो ईवीएम्स इस्तेमाल नहीं हुई वो कहीं और जगह होनी चाहिए, लेकिन वो ईवीएम्स उन ईवीएम्स के साथ लगभग साथ रहती हैं जहां पोलिंग हो चुकी है और वो पोलिंग ईवीएम्स किसी जगह पे स्टोर होती हैं। तो ये कहा है कि जो जब पोलिंग खत्म हो जाए तो बाकी ईवीएम जिसका इस्तेमाल नहीं हुआ वो कहीं और जानी चाहिए ताकि कोई गड़बड़ी नहीं हो। खास तौर पे तेलंगाना के बारे में हमने ये आरोप लगाया है और हमने इलेक्शन कमीशन से ये मांग की है कि अमित शाह को नोटिस जाना चाहिए, क्योंकि तेलंगाना ने उन्होंने ऐसा एक बयान दिया है जो बिल्कुल गलत है, झूठ है, और जान के दिया है कि क्योंकि हमारे मैनिफेस्टो में कुछ लिखा था और जो उन्होंने बयानबाजी की है वो कुछ अलग की है ताकि वहाँ सांप्रदायिक एक वातावरण पैदा हो। तो हमने कहा है कि इलेक्शन कमीशन को खुद ही इसी संदर्भ में अमित शाह को नोटिस देना चाहिए। साथ हमने तेलंगाना में ये बात भी चुनाव आयोग के सामने रखी है कि रेवंत रेड्डी जी जो हमारे प्रेसिडेंट है वहाँ प्रदेश के, उनको 3 बजे रात को अरेस्ट किया गया और ये नहीं बताया गया कि क्यों अरेस्ट किया गया है। तो और इस इलेक्शन के दौरान में प्रेसिडेंट को अरेस्ट करना, इसका मतलब यही प्रयास हो रहा है कि किसी तरीके से कांग्रेस पार्टी को चोट पहुंचे। तो हमने ये भी एक इनसे मांग की है कि उसका तुरंत चुनाव के दौरान कोई अरेस्ट ऐसा नहीं होना चाहिए।